क्या आपने कभी गौर किया कि जो तरह तरह के डिश सोप्स ऑयल डिश लिक्विड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो सेहत के लिए महफूज हैं भी कि नहीं? क्या आप जानते हैं कि हर मर्तबा जब आप इन डिश लिक्विड्स से बर्तन धोते हैं तो कुछ ख़तरनाक केमिकल्स भी अपनी प्लेट्स और डिशेस में आप शामिल कर लेते हैं? फोमिंग एजेंट्स, परफ्यूम्स और एंटी फंगल इंग्रेडिएंट्स इन डिश वॉश सोप्स या लिक्विड्स का लाजमी हिस्सा होते हैं। डिशेस धोने के बाद अगर थोड़ा सा भी साबुन रह जाए तो वो आपको बआसानी नज़र आ जाता है, मगर उन केमिकल्स का क्या जो आप ज़ाहरी आंख से देख नहीं पाते? जैसा कि सल्फेट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो आपकी डिशेस में नज़र नहीं आते और वो बर्तनों की सतह पर जम जाते हैं चाहे आपने बर्तन कितने अच्छे से धो लिए। मार्केट में ये डिश वॉश तरह तरह से बेचे जाते हैं। कुछ वादा करते हैं एक ही झटके में बर्तनों की सफाई का और कुछ खुशबू का। बेस इंग्रेडिएंट्स सब के तकरीबन एक जैसे ही हैं, मसलन ट्राइक्लोसन। माइटोकॉन्ड्रिया पर इसके ख़तरनाक असरात को रिसर्च ने साबित कर दिया है और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का पावर हाउस है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट जब से यूएसए में बैन हुआ उसके बाद से टूथपेस्ट से तो इसको ख़त्म कर दिया गया, मगर डाइल्यूटेड ट्राइक्लोसन अभी तक डिश वॉश लिक्विड्स में यूज हो रहा है। और इसी तरह का एक और एजेंट है कार्सिनोजेन, जो कि कैंसर तक पैदा कर सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनीज पैसे की दौड़ में मुकाबलेबाजी की खातिर ऐसे ऐसे केमिकल्स अब शामिल कर रही हैं कि वो इंसानी सेहत के लिए यकीनन ख़तरनाक हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोचने और देखने की ज़रूरत है। तो आइए ज़रा सोचिए कि जब ये डिश वॉश लिक्विड्स और सोप्स और बार्स नहीं ईजाद हुए थे उस वक्त लोग अपने बर्तन कैसे साफ करते थे? पहले ज़मानों में ज़्यादातर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें लाल और ब्राउन रंग की मिट्टी सरे फहरिस्त थी। उससे बर्तन बहुत खूबसूरती से साफ कर दिए जाते थे, मगर आजकल के दौर में इतनी साफ मिट्टी मिलना भी मुश्किल है। तो फिर हल क्या है? इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सादा नमक, लीमू और सिरका, और सबसे बेहतर है बेकिंग सोडा। ये अज्जा ना सिर्फ जरासीम मिटाते हैं बल्कि आपके बर्तनों को भी अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर आपके लिए ये मुमकिन ना हो कि आप कुदरती अशिया इस्तेमाल कर सकें, तो भी बहुत से ममालिक में अब ऑर्गेनिक डिश वॉश लिक्विड्स और सोप्स दस्तयाब हैं, या फिर आप किसी ऐसे ब्रांड का इंतखाब कर सकते हैं जो कि अपने फार्मूला में लेस डेंजरस और लेस हार्श केमिकल्स शामिल करते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए जब भी बर्तन धोएं तो बहुत अच्छी तरीके से उनको खंगाल लें। सेफ्टी आपके हाथ में, याद रखिए कुदरती चीज़ों की तरफ वापस जाना आपके अपने हाथ में है, चॉइस आपकी है, फैसला आपका है।